आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड स्लिप और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड और स्लिप क्या होता है। स्पीड एंड स्लिप, देखिए इंडक्शन मोटर के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटर और रोटर, स्टेटर की वजह से घूमेगा रोटर, स्टेटर जो है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जो स्टेटर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, जो फ्लक्स बना, वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा। मतलब यहाँ पर जो भी फ्लक्स घूम रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है, लेकिन जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम पाता है। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लग जाएगा तो इसके द्वारा जो भी फ्लक्स यहाँ पर बन रहा है वो फ्लक्स इन कंडक्टर्स को कट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम घूमता है। मतलब रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा ही कम होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसलिए इस मशीन को, इस मोटर को हम सिंक्रोनस मशीन नहीं बोलते हैं, इसको आप एसिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि स्लिप क्या होता है। देखिए स्लिप जो है वो एक्चुअली में NS - NR ही होता है। NS हमेशा ज़्यादा होगा, NR हमेशा कम होगा NS से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही स्लिप स्पीड हो जाती है। वो स्लिप स्पीड होती है जो NS - NR होता है। अगर हम पर यूनिट क्वांटिटी की बात कर लें, मतलब अगर हम स्लिप की बात करें तो जो स्लिप है वो होगा NS - NR अपॉन NS। जैसा कि हमने वोल्टेज रेगुलेशन में देखा था ट्रांसफार्मर के अंदर कि वहाँ पर भी पर यूनिट क्वांटिटी की बात करी जाती है, तो जो स्लिप है वो भी पर यूनिट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको पर यूनिट जोड़ देना है। जब आप पर यूनिट जोड़ देंगे तो वो आपका स्लिप बन जाएगा, और जब आप सिर्फ इस डिफरेंस की बात करेंगे तो वो स्लिप स्पीड कहलाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको स्लिप परसेंटेज स्लिप की अगर आपको बात करनी है तो यहाँ पर आप बात करेंगे परसेंटेज स्लिप की, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि NS - NR अपॉन NS, और यहाँ पर 100 से इंटू कर देना है, तो ये आपकी परसेंटेज स्लिप हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप कैपिटल लेटर्स को देखें, जैसे N यहाँ पर कैपिटल लेटर है, तो ये आपका स्पीड होती है RPM में, मतलब रोटेशन पर मिनट होता है ये। अगर आपको RPS में चाहिए स्पीड तो यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स यूज़ करने होंगे। उन स्मॉल लेटर्स का भी एक रिलेशन होता है, जैसे N = N/60 होता है। तो यहाँ पर अगर आप छोटा एन रखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू रख देनी होगी, लेकिन यहाँ पर तीनों सेम है तो यहाँ पर वो कैंसिल आउट हो करके सीधा सिंपल आपके पास वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर आपको RPS में स्लिप चाहिए तो वो आपके पास आ जाएगी NS - NR/NS, ये आपके पास RPS में आ जाएगा। उसी तरीके से परसेंटेज स्लिप भी आप निकाल सकते हो RPS में, ठीक है। तो आपको स्लिप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्लिप जो है वो स्लिप स्पीड जो है वो स्टेटर वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है। और स्लिप की जब बात करेंगे तो पर यूनिट क्वांटिटी है उसके अंदर NS से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की। देखिए जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो होती है हमारे पास F = PNS/120, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर मैंने NS क्यों यूज़ करा है, क्योंकि ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है। अब यहाँ पर यही हमारे पास स्टेटर की फ्रीक्वेंसी भी होती है, क्योंकि स्टेटर के थ्रू जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है। अब ये सिंक्रोनस स्पीड कहाँ से आती है, आप पूछेंगे कि ये सिंक्रोनस स्पीड क्यों बनी, ये वाला फ्रिक्वेंसी और स्टेटर का फ्रिक्वेंसी सेम क्यों है। तो देखिए जो हमारे पास ये वाली फ्रिक्वेंसी आई, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी आई, ये हमारे पास ऑल्टरनेटर से बने या फिर सिंक्रोनस जनरेटर से बने। अब ये हमने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो अल्टरनेटर जो है ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर काम करता है। ये कैसे काम करता है, क्योंकि
यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इन तीनों के अंदर वो कांस्टेंट बना रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअली में होती क्या है कि जो भी स्पीड आपके पास कांस्टेंट रिलेशनशिप रख सके एफ और पी के साथ, वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने एफ को ले लिया 50 हर्ट्स और पोल्स को मैंने ले लिया 2, क्योंकि पोल के जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 2 ही हो सकती है। एक पोल पेयर तो आपको चाहिए ही होता है, उससे कम आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मिनिमम भी हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3000, ये 3000 RPM आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशनशिप की बात कैसे कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने ये जो पोल नंबर है ये आपने 4 कर दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने ये 4 कर दिया, तो 4 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 1500 RPM, ठीक है। अब 1500 आया मतलब इसका जस्ट हाफ हो गया, इसका जस्ट हाफ हुआ क्योंकि यहाँ पर आपने पोल जस्ट डबल कर दिया। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए पोल्स को 6 कर देते हैं, मतलब 2 का 3 गुना कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 से कम हो जाएगा, मतलब 3000 है तो वो 100,000 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 8 कर देते हो तो यहाँ पर 4 गुना पोल को कराया तो यहाँ पर भी आप 4 गुना कम कर दीजिए तो 750 RPM हो जाएगा। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट रिलेशनशिप बना हुआ है, इसीलिए इसको मैं सिंक्रोनस स्पीड कह रहा हूँ। ऐसा कांस्टेंट रिलेशनशिप आपको रोटर स्पीड में नहीं मिलता है, जो NR होती है उसके अंदर नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं होता है, वो हमेशा इससे कुछ ना कुछ कम ही होता है, ठीक है। तो वापस से फ्रिक्वेंसी की बात करी, तो अगर स्टेटर की फ्रिक्वेंसी की बात कर लें एफ एस की, या फिर इसको मैं F1 भी बोल सकता हूँ, तो ये हमारे पास होगी PNS/120। लेकिन जब हम रोटर की बात करेंगे तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी स्लिप पर डिपेंड कर रही है, जो उसका डिफरेंस है उसी पर तो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर रोटर की फ्रिक्वेंसी की बात कर ले तो यहाँ पर F2 भी इसको बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा PNS-NR/120। ये मैंने यहाँ पर स्लिप यूज़ करा है, ठीक है, क्योंकि इस क्वांटिटी पर ही डिपेंड करती है ये वाली फ्रिक्वेंसी। ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यही वेरिएबल होगा, क्योंकि आपकी रोटर की जो फ्रिक्वेंसी वो वेरिएबल रहती है। तो वो वेरिएबल क्यों होती है, स्लिप की वजह से वेरिएबल होती है, जो स्लिप आ रहा है उसकी वजह से वेरिएबल है वो। तो आपने ये क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ करी। उसके बाद अगर आप इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप चाहते हो एफ आर और एफ एस के अंदर, तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो एफ आर या फिर एफ टू, इसको मैं एफ टू लिखा है और इसको मैंने एफ वन लिखा है, तो एफ टू अपॉन एफ वन अगर मैं लिखूँ तो ये PNS-NR/120/PNS/120, तो 120 120 कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो NS-NR/NS। ये फॉर्मूला आपको अभी पता था कि इसको मैंने एस डिनोट किया था, ठीक है, स्मॉल एस डिनोट किया था। तो ये जो F2 हुआ, ये इस F1 को अगर उधर ले जाऊं तो यहां पर क्या होगा, S/SF1। ये आपके पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। क्या फॉर्मूला डेवलप हुआ कि जो रोटर की स्पीड है अगर उसके अंदर मैं स्लिप से स्टेटर की फ्रिक्वेंसी को इंटू कर दूं तो मुझे रोटर की फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। ये आपका फॉर्मूला बना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको दो ही फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक तो स्लिप का फॉर्मूला और एक ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर आप इसमें रिलेशनशिप भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, देखिए देखिए रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्लिप इनटू इसको आप पर यूनिट स्लिप बोलिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यही तो मैंने समझाया भी आपको, यही लिख सकते हैं ना अपन। अब मान लीजिए कि आपकी रोटर की जो स्पीड है वो आपकी 0 है, मतलब रोटर आपका रुका हुआ है, तो NR=0 है, तो क्या होगा कि जो स्लिप है वो NS-NR/NS होता है। अगर इसको मैं 0 कर दूं तो NS/NS=1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो था F2S/F1 वो आपका F2=F1 हो जाएगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, ठीक है।
अगर आपका एनआर जो है वो एनएस स्पीड से घूमने लगता है, जैसा कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर मान करके देखते हैं, तो एस जो है वो आपका एनएस माइनस एनएस अपॉन एनएस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी और एस आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ़ टू बराबर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमको इससे क्या कंक्लूजन मिला कि जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो से F1 तक, या फिर इसको ऐसा बोलिए आप कि F1 से ज़ीरो तक वेरी करती है। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान में रखने वाली है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, जो क्वेश्चन में काम आएगा वो आएगा F2 बराबर S F1। इस टॉपिक पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दो तीन न्यूमेरिकल हम कर लेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम रोटर करंट और टॉर्क की बातें करेंगे, वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर के जो आपका सर्किट डायग्राम था, मतलब जो आपकी नो लोड ट्रांसफार्मर फुल लोड ट्रांसफार्मर में जो भी मैंने वो सर्किट डायग्राम्स यूज़ करे थे वो आपके वहाँ पर यूज़ में आएंगे, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको वहाँ से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।